दोस्तों, स्वागत है आपका करियर डिफेंस स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लस टू के बाद आर्मी ऑफिसर कैसे बने। बहुत से यंग डिफरेंट एस्पिरेंट्स जो अभी टेंथ या प्लस टू में हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि कैसे प्लस टू के बाद आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिफरेंट एंट्रीज के बारे में बात करेंगे, जिसके थ्रू आप प्लस टू के बाद आर्म फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर डिफेंस स्कूल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आप हमारे वीडियोज सबसे पहले देख सकें और अपडेट रहें। हर देश की सुरक्षा में सेना का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारतीय सेना व्यवस्था बहुत ही अद्भुत है और विश्व की सबसे श्रेष्ठ सेना है। अगर आप यंग एज से ही अपने बच्चों को आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 7419999228 पर कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा हमारी यह कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सके। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप प्लस टू के बाद आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एनडीए एंट्री की। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस अकेडमी। ये अकेडमी खड़कवासला महाराष्ट्र में है। एनडीए एग्जाम यूपीएससी के द्वारा साल में दो बार कंडक्ट किया जाता है और एनडीए एग्जाम से आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप एनडीए एग्जाम के लिए अप्लाई करें, तो आप अपनी सर्विस प्रेफरेंस को मार्क कर सकते हैं। अगर आप एनडीए से आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लस टू पास होनी चाहिए, भले ही आपकी स्ट्रीम कोई भी हो। लेकिन हाँ, अगर आप एयरफोर्स या नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप प्लस टू पास तो होने ही चाहिए, साथ में आपके पास फिजिक्स या मैथमेटिक्स होना जरूरी है। और एनडीए अप्लाई करते समय आपके प्लस टू में कितने मार्क्स हैं, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपको प्लस टू में पास होना कंपलसरी है। देखिए, यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो प्लस टू के बाद एनडीए के लिए अप्लाई करते हैं और बहुत मेहनत के बाद एनडीए एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करते हैं, लेकिन बाद में प्लस टू में फेल हो जाते हैं और एनडीए ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो चलिए बात करते हैं एनडीए के लिए एज लिमिट क्या होगी। एनडीए की जो एज लिमिट है, 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। एनडीए एग्जाम में आपको दो पेपर फेस करने पड़ते हैं, पेपर वन जिसमें मैथमेटिक्स है एंड पेपर टू जिसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट है। पेपर टू टू पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में इंग्लिश एंड पार्ट बी में जनरल नॉलेज इंक्लूड रहता है। एनडीए एग्जाम के लिए हर साल 5 से 6 लाख लोग अप्लाई करते हैं। इनमें से कुछ 8,000 या 9,000 ही एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। इनमें से भी 300 से 400 कैंडिडेट्स ही फाइनली इंटरव्यू क्लियर कर पाते हैं। एनडीए एग्जाम क्लियर करना अपने आप में ही बहुत बड़ी चुनौती है। 2018 के एनडीए एग्जाम में रिटन एग्जाम की कट ऑफ थी 338 मार्क्स आउट ऑफ 900 मार्क्स और आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 35% मार्क्स स्कोर करना था। और जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था एनडीए इंटरव्यू के बाद, उसका टोटल स्कोर था 705 मार्क्स आउट ऑफ 1800 मार्क्स। अगर आप आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एनडीए से बेटर एंट्री कोई नहीं है। मोस्टली जो टॉप आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर्स हैं, वो सब के सब एनडीए एलुमिनाई हैं। तो चलिए बात करते हैं टीईएस की। टीईएस की फुल फॉर्म है टेक्निकल एंट्री स्कीम। जिन कैंडिडेट्स के पास प्लस टू में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, वो इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एंट्री में आपको एनडीए जैसा कोई रिटन एग्जाम नहीं फेस करना पड़ता है। और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो आपको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाता है। लेकिन हाँ, आपको एसएसबी में शॉर्टलिस्ट होने के लिए पीसीएम में अच्छे मार्क्स होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पीसीएम में एग्रीगेट परसेंट 70% है, तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आर्मी फाइनली कैंडिडेट्स को एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट करती है, तो कट ऑफ 80% से 90% के बीच में हो सकती है। टीईएस एंट्री से आप सिर्फ इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग 1 साल के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी गया में होती है।
और उसके बाद फेज वन प्री कमीशन ट्रेनिंग जो कि 3 साल की है और फेज टू पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग जो कि 1 साल की है। CME पुणे या MCTE महाउ या MCEME सिकंदराबाद में होती है। तो चलिए फाइनली अब बात करते हैं 10+2 BTech कैडेट एंट्री स्कीम की, जिससे आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एंट्री भी आर्मी की TES एंट्री के जैसी ही है। अगर आप प्लस टू में PCM में 70% एग्रीगेट मार्क्स लेते हैं और 10th या प्लस टू में इंग्लिश में 50% मार्क्स लेते हैं तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये मार्क्स सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए ही है। SSB के इंटरव्यू के लिए इंडियन नेवी आपको JEE मेन ऑल इंडिया रैंक से शॉर्टलिस्ट करेगी। तो हाँ, इस एंट्री के लिए आपको JEE में अपीयर होना कंपलसरी है और साथ ही ऑल इंडिया रैंक का होना भी बहुत जरूरी है। तो ये थे 3 different एंट्रीज जिससे आप प्लस टू के बाद आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एंट्रीज के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। फीमेल कैंडिडेट्स सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकती हैं। NDA एंट्री से आप किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। TES एंट्री इंडियन आर्मी के लिए है। 10+2 BTech कैडेट एंट्री इंडियन नेवी के लिए है। अगर आप प्लस टू के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो TES और प्लस टू BTech कैडेट एंट्री बेस्ट ऑप्शन है। लास्ट में आप सभी यंग एस्पिरेंट्स के लिए एक सजेशन है, यदि आप आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के सपने देख रहे हैं तो आप अपनी स्टडी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें। और आप भी अपने बच्चे को NDA, TES और 10+2 BTech कैडेट एंट्री के थ्रू आर्मी ऑफिसर्स बनाना चाहते हैं तो कॉल कीजिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 7419999228 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।